हेलो स्टूडेंट्स, आज थर्ड लैक्चर है जी ईजी ट्रिक्स की सीरीज़ के विच। पहले दो लैक्चर आप स्केयर रूट कैलकुलेट करने वास्ते कर चुके हैं। जेकर तुसी वो वीडियोज़ नहीं देखिया तो जरूर लिंक के उत्ते उपर आ रहा लिंक क्लिक करके बैक वाली वीडियोज़ भी देखो। अज आप स्टडी करांगे इस दे विच मल्टीप्लीकेशन के कुछ मैथड्स, ईजी मैथड तो स्केयर फाइंड आउट करन दे ईजी मैथड्स करांगे आपां, जिहड़ी कि बेसिक आपां डेली रूटीन दे विच यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। सब तो पहला एग्जाम्पल है जी वो वाले नंबरस जिन्हों के लास्ट के उत्ते 5 आ रहा जी। जिवें आपां नॉर्मली देखते हैं, नॉर्मली आ नंबर आपां यूज़ करते हैं, कोई भी नंबर तुसीं लै सकते हो जिन्हों के लास्ट के विच अपने को 5 आ रहा। तुसीं देख रहे हो कोई भी, मैंने एक सीरीज़ तक तुसी नंबर ले लो, ज़्यादा लेंथी नहीं आप जावांगे। ये ट्रिक्स इदा नहीं भी आप बहुत लंबी कैलकुलेशनस करनी है। तो वो वाले नंबरस जिन्हों के लास्ट के 5 आ रहा, एक सैकेंड भी नहीं लगेगा सानू वो स्केयर फाइंड आउट करन दे विच। ये असी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जदों असी 10th की मैंशुरेशन करते हैं, सरफेस एरिया एंड ट्राइंगल्स पढ़ते हैं 9th क्लास, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स पढ़ते हैं 9th क्लास का, तो उत्थे सानू 15 का स्केयर यानी 15 का स्केयर, 25 का स्केयर, 35, 45 का स्केयर बड़ी जरूरत पैंदी है। तो एक छोटा जा मैथड है, एक सैकेंड तो घट समय के आप करांगे। मान लो तुसी 15 का स्केयर करना जी, मैथड की रहेगा, लास्ट वाले 2 डिजिट की मल्टीप्लाई कर दो, हमेशा एक इनक्रीज कर दो। जे इत्थे 1 है तो इहनू 2 समझो, 2 की 1 नाल मल्टीप्लाई, 2 की 1 नाल मल्टीप्लाई, 2 इज़ द आंसर। जे 25 की 25 नाल कर रहे हो तो लास्ट तो तुसी देख ही रहे हो भी 25 ही आएगा, 2 की जगह पर की अज्यूम करना है 3 की 2 नाल मल्टीप्लाई 6। जे 35 की 35 नाल कर रहे हो तो 25 इहनू की अज्यूम करना तुसी 4 की 3 नाल मल्टीप्लाई 12। 45 करना चाहोगे तो 25 एक इनक्रीज कर दो, यानी कि 5 बन जाएंगे 5 की 4 नाल मल्टीप्लाई 20। 55 करना चाहोगे तो 25 एक इनक्रीज कर दो, क्या बन जाएंगे 6 बन जाएंगे 6 इंटू 5 30। 65 25 एक इनक्रीज कर दो 7 42। तो तुसी देख रहे हो सारे दे विच एक सीकुएंस आ रही है, कोई नवी चीज़ नहीं है। 75 करोंगे मैं ता करवा रहा ताकि थोड़ी इत्थे प्रैक्टिस हो जाएगी। 8 56 मैं ता करवा रहा थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, अदरवाइज की आप एक बार ट्रिक्स सीख लें बाद चो यूज़ नहीं करते फिर भुल जाने। पर जे तुसी इदा सारे दी करके देख रहे हो तो तुसी जदों अपनी रेगूलर क्लासेस पढ़ोगे कोई एग्जाम च आएगा तो थोड़े ट्रिक यह माइंड दे विच आएगी। 85 करांगे 25 फिर 1 इनक्रीज कर दो 9 72 95 फिर 1 इनक्रीज कर दो 10 90 105 25 1 इनक्रीज कर दो की बन जाएंगे 11 110 115 करना है 25 1 इनक्रीज कर दो 12 12 की 11 ना मल्टीप्लाई 132 125 25 1 इनक्रीज कर दो 13 इंटू 12 156 135 कर लो 25 1 14 की 13 ना मल्टीप्लाई 182। लो जी मैंने सारे ही करवाते, सोनू एग्जाम दे विच कितने पॉइंट्स आंदा, मान लो सोनू पॉइंट आ जाता जी 35 35, क्योंकि जो तुसी मैंशुरेशन की एक्सरसाइज करते हो 10th की मैंशुरेशन या 9th क्लास की, तो 3.5 की 3.5 नाल है, मैथड उही है 25 4 12। पॉइंट के बाद एक अखर, पॉइंट के बाद एक अखर, टोटल 2 पॉइंट इतने लगा दो, बस इदा तुसी पॉइंट्स नू भी कर सकते हो। तो एक कंप्लीट मैथड सीगा जी, एक ट्रिक सीगी। जे लास्ट के 5 आ जाए, एंड दे विच 5 आ जाए तो असी मल्टीप्लाई किस तरीके दे नाल करते हैं। इस एक स्केयर कैलकुलेट करना, हुण असी अगले नंबर का स्केयर नैक्सट ट्रिक यूज़ करांगे, जिस फिर असी स्केयर की गल ही करांगे, अगे नहीं चलांगे, होर कुछ नहीं पढ़ांगे, स्केयर ही फाइंड आउट करांगे।
हूँ असं स्केयर फाइंड आउट कर रहे हैं नीयर अबाउट 50 दे 50 दे क्लोज जेडे नंबर होंगे ज़्यादा सक्सैसफुल है 40 तो 60 तक बड़ा ईजी बड़ा जल्दी सॉल्व कर सकते हैं होर थोड़ा जहा जल्दी सॉल्व करना हो 45 तो 55 तक 55 तक वैल्यूज़ लैके चलो 45 तो 55 तक लैके चलोगे होर भी जल्दी वैल्यूज़ स्केयर कैलकुलेट कर दोगे तुसीं एक स्टैप आप करांगे उस तो बाद प्रैक्टिस वास्ते आप फटाफट 5-4 वैल्यूज़ कर देंगे स्टार्टिंग करते हैं जी मान लो तुसीं 52 की मल्टीप्लाई कर रहे हो 52 नाल यानी 52 का स्केयर कर रहे हो 52 का तुसीं स्केयर कर रहे हो तो थोड़े माइंड चिकन कंसैप्ट होना चाहिए है भी 50 का स्केयर होंदा जी 2500 मीनस 25 थोड़े एक माइंड होना चाहिए थोड़ा 25 माइंड दे विच होना चाहिए 52 होवे 53 54 कोई भी वैल्यू है 50 तो किन्ना असी उपर चले गए 50 तो किन्ना ज़्यादा है तो 50 तो किन्ना ज़्यादा है 2 ज़्यादा देख रहे हो 2 ज़्यादा तो 2 का 2 नाल मल्टीप्लाई यानी 4 एक स्टेप हो गया 2 दे 2 नाल मल्टीप्लाई यानी 4 हुण अगले पासे 25 तो लैन ही लैना किन्ना ज़्यादा सी 2 ज़्यादा सी तो 27 मैं फिर रिपीट करूँगा तुसी अगला क्वेश्चन देख सकते हो मान लो 53 दी 53 नाल स्केयरिंग कर दें तो 3 × 3 9 सिंपल 9 हुण यह 3 है 50 तो किन्ना ज़्यादा 3 ज़्यादा 3 किन्ना ज़्यादा आप ये नहीं देख रहे भी 53 लिखा आप देख रहे किन्ना ज़्यादा है वो 3 ज़्यादा है जी तो 25 दे विच 3 जोड़ांगे 28 किन्ना वैल्यू किन्नी लार्जर है 25 दे 50 दे नालों उन्ने ही वैल्यू तुसी 25 च ऐड करोगे कोई भी ले लो 54 16 तो सीधा ही आजूगा 16 हुण यह 50 नालों किन्ना ज़्यादा 4 तो 25 दे विच 4 जोड़ दिओ 55 वाला आप पहला कर चुके हैं दूसरे मैथड ना कर दें पहला मैथड आप की लगाया सीगा जी 25 सीधा लगा लो एक इनक्रीज़ कर दौ 30 यह पुराना मैथड से जड़ा इस तो एक सैकेंड पहला आप कर चुके हूँ कर दें आप 55 का 55 नाल 5 × 5 = 25 हूँ 50 नालों जड़ा 55 है 50 नालों किन्ना ज़्यादा 5 तो 25 से तुसी 5 जोड़ोगे तो 30 मैं दस रहा इस तुसी की किया इस क्वेश्चन 25 से 3 जोड़े से क्योंकि ये 3 ज़्यादा सी एस किन्ने जोड़े से 25 च 2 क्योंकि ये 2 ज़्यादा सी एस किन्ने जोड़े सी 25 च 4 जोड़े सी क्योंकि ये 4 ज़्यादा सी एस च 5 जोड़ते एस केस च क्योंकि ये 5 ज़्यादा ऐसे तरीके नाल चलता रहूगा जी सिस्टम अपना हुण आपां होर 2-4 वैल्यूज़ रह गईआं वो लैके देखते हैं तुसीं कोई भी मल्टीप्लाई चैक कर सकते हो सोनू आंसर मिलेगा जी नैक्सट पॉइंट दे विच आपां देखते हैं 55 होगा 56 किन्ना आ गया जी अपने कोल इत्थे 36 किन्ना ज़्यादा है 6 ज़्यादा तो 25 च 6 जोड़ देंगे वैल्यू आ जाएगी 57 मैं तां लिख रहा हैं ताकि एग्जाम दे टाइम दे विच तुसी इस नूं यूज़ कर सकूँ देखो जे आप ज़्यादा तो मैं लिखता अदरवाइज तो एक सैकेंड च बनता देखो 58 हुण जे तुसी पहला पुरानी वैल्यूज़ लिखनी है 64 सीधा किन्ना ज़्यादा होया जी है 8 25 ते 25 प्लस 8 33 कोई भी वैल्यू आ रही है जी 59 81 9 ज़्यादा हो गया जी वैल्यूज़ तुसी इस तरीके नाल कैलकुलेट कर सकते हो करन नूं असी अगे भी कर सकते हैं मैं अगे भी लैके चलदा मान लो तुसी 61 कर दिओ तो थोड़ी जी सोच चेंज बनेगी अपनी क्यों ये 50 नालों किन्ना ज़्यादा जी 50 तो किन्ना अबव हो गया है 11 हो गया 11 का 11 नाल मल्टीप्लाई करांगे किन्ना आऊगा जी 121 तो तुसी एक कैरी दोगे 21 लिखोगे एक कैरी आऊगा तुसी 21 ही लिखोगे उस तो बाद 21 लिख लिया हुणे 25 नालों किन्ना 50 नालों किन्ना ज़्यादा 11 तो 25 च 11 जोड़ के किन्ना आउंदा हुंदा जी 36 एक ज़्यादा सी किन्ना बन गया जी 37 चला अगे भी जाऊगा है अगे भी चला जाऊगा पर
क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी जी लेंथी हो जाती है, ज़्यादा लेंथी नहीं, जो तुम प्रैक्टिस कर लो 62 नाल 12 ज़्यादा 12 गुना 12 144 144 1 कैरी जो तुम फटाफट कर दो सूँ आता कर सकते हो तो 25 से 12 37 तक 38 बन जाता है। पर 60 तक रहने ज़्यादा बैटर है जेकर तुम इस अंडरस्टैंड कर लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मैंने किते 50 तो अगे वाले।